स्वागत करता हूं, इसी के साथ इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय घनश्याम तिवारी जी। ऑनरेबल श्री अब्दुल वहाब, ऑनरेबल अब्दुल वहाब नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर कल्पना सैनी जी, डॉक्टर कल्पना सैनी 10 मिनट। धन्यवाद उपसभापति जी। तेल क्षेत्र विनियम और विकास संशोधन विधेयक 2024 को 5 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक तेल क्षेत्र विनियम और विकास अधिनियम 1948 में संशोधन करता है। यह अधिनियम प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निष्कर्षण को नियंत्रित करता है। मैं आज इस सदन के समक्ष तेल क्षेत्र विनियम और विकास संशोधन विधेयक 2024 के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने पंच प्रण के माध्यम से स्पष्ट सोच को यह विधेयक प्रकट करता है। कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वह पुरानी चुनौतियों को परास्त करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। यह कार्य मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को लगातार जारी रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने खनिज तेलों की परिभाषा में भी विस्तार इस विधेयक में किया है, जो आज तेजी से बदलते भारत के लिए आवश्यक था। अधिनियम में खनिज तेलों की परिभाषा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को शामिल किया गया है। विधेयक में परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है: कोई भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन, सेल गैस तेल और CBG और सूर्य ऊर्जा। यह स्पष्ट करता है खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं है। यह विधेयक न केवल भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने का एक दूरदर्शी कदम भी है। आज विश्व में तेजी से बदलाव हो रहा है। यदि हमें अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करना है तो हमें अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देना ही होगा। यह विधेयक भारत को अन्वेषण और उत्पादन का पावर हाउस बनाने की दिशा में एक मजबूत नींव रखता है। हम सभी जानते हैं भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का 85% और प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का लगभग 50% आयात के माध्यम से पूरा करता है। यह स्थिति न केवल हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव डालती है, बल्कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा को भी कमजोर करती है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, ताकि आयात पर हमारी निर्भरता कम हो और देश की ऊर्जा जरूरतें स्वदेशी स्रोतों से पूरी हो सके। इस बिल के असंख्य लाभ हैं, जिनमें कुछ मुख्य का मैं वर्णन करना चाहूँगी। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। खनिज तेलों की परिभाषा में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोल बेड मीथेन, शेल गैस और टाइड ऑयल जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को शामिल किया गया है। यह कदम घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। यह देश में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। पेट्रोलियम लीज की शुरुआत और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की अनुमति जैसे प्रावधान वैश्विक और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करेंगे। इससे तेल और गैस क्षेत्र में नई तकनीकों और संसाधनों का समावेश होगा। इससे नीतिगत स्थिरता भी आएगी। दीर्घकालिक पट्टों की व्यवस्था और दंड प्रावधानों को सरल बनाकर तेल और गैस उत्पादकों के लिए एक स्थिर और अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। भारत जो 2014 में विश्व की गिरती हुई 10वीं अर्थव्यवस्था था, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं अर्थव्यवस्था है। सारा विश्व स्वीकार कर रहा है आज कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
भारत कुछ ही वर्षों में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। इस बढ़ती अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान ऊर्जा क्षेत्र का भी होगा। भारत के पास 651.8 मिलियन टन कच्चे तेल और 1138.6 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार है। इन संसाधनों का अन्वेषण और उत्पादन आर्थिक विकास तो करेगा ही, रोजगार सृजन को भी गति देगा। विश्व में ऊर्जा के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही प्रगति, नए नए ऊर्जा के संसाधन, देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता केवल और केवल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की चमत्कारी, आत्मविश्वासी, विश्वभर में मान्यता प्राप्त नीतियां हैं जो 2047 तक देश को पूर्ण आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ऐसी स्थिति में यह विधेयक केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। यह घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। इसलिए मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि विधेयक के पक्ष में मतदान करें। यह हमारे देश के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसका समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कल्पना।